हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ, सरोजनी नगर व्लॉग। तो मैं यहाँ पे गई थी कुछ सामान वगैरह खरीदने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि दिवाली के टाइम पे सरोजनी नगर में क्या क्या स्टफ़ मिल रहा है और इस बार का सरोजनी नगर में क्या क्या स्टफ़ आया है, पिछली बार के हिसाब से क्या चेंजेस आए हैं और कोविड के टाइम पे क्या क्या बदलाव हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मैं संडे को गई थी यहाँ पे, तो मार्केट में घुसते ही आपको ये 30 रुपीज़ के स्टॉल दिख जाएंगे जहाँ पे आपको सारे इयररिंग्स 30 में मिल रहे हैं, विच इज़ रियली ग्रेट एंड दिस इज़ वेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जंक ज्वेलरी। और ये दिवाली के भी यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लाइट्स, रंगोली इस बार मेरे जो नियर बाय मार्केट लगती है उसके हिसाब से काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, 10 रुपये 20 रुपये। बड़ी वाली रंगोली जो स्टेंसिल्स हैं वो 50 रुपये की मिल रही थी एंड ये कलर भी काफ़ी अफोर्डेबल थे यहाँ पे। एंड ये सेरेमिक का था यहाँ पे, मैंने यहाँ से कुछ परचेज किया है, मतलब ये भी अब सरोजनी नगर में काफ़ी दिखने लग गया है, पहले ये वाला नहीं था यहाँ पे। कप्स, प्लेट्स वगैरह सब सेरेमिक की है, बहुत सारा स्टफ था यहाँ पे भी, ये मतलब अफोर्डेबल प्राइस में है, यहाँ पे भी आप बार्गेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। प्लस इसमें काफ़ी सारे होम डेकोर भी हैं, पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स एंड कांच का भी बहुत सारा सामान है। एंड ये इस तरह के इयररिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, ये हुक्स वाले और ये शेल्स, आई डोंट नो क्या कहते हैं इनको, बट ये भी सारा 30 में था विच इज़ वेरी अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू मी हमारे नॉर्मल मार्केट। आप देख सकते हो किस तरह से खिचड़ी पकी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे है मेंटेन। एंड मैं तभी इसी जगह इतना ज़्यादा, मतलब मैंने शॉपिंग नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया बन चुका था संडे को ये। और ये सैंडल्स जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये 400 में थी और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। ओके, तो ये ड्रेस काफ़ी आजकल फेमस हो रखी है, ये बिग बॉस में शहनाज और गिल ने भी पहनी थी ये ब्लू पॉम्पम ड्रेस एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल इसको कैरी कर रहे हैं। तो ओके, तो अभी नाइट सूट्स जैसे कि साटन में मिलते थे पहले नाइट सूट, जो कि देखने में बहुत क्लासी लगते हैं लेकिन जो हम पहनते हैं तो वो स्किन के साथ इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन अभी साटन के अलावा रेयन में, कॉटन में भी नाइट सूट्स आ गए हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो 400-500 के अंदर हैं। लेकिन एज यू नो गाइज, वी आर डेली हाइट, तो हमें बार्गेनिंग के बिना हम ले ही नहीं सकते कुछ भी, तो आप यहाँ पे भी अपना बार्गेनिंग स्किल ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे 50 रुपीज़ के डेनिम्स मिल रहे थे, शॉर्ट्स थे, ये अच्छा था काफ़ी, लेकिन इसमें ढूंढना पड़ता, फिर कोरोना का टाइम है तो इतना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, तो मैंने ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इस बार की मार्केट, मैंने आपको थोड़ा दूर दूर से ही इसमें दिखाया है। ओके, तो सरोजनी नगर में डेनिम स्टफ़ काफ़ी ज़्यादा मिलता है और डेनिम हमेशा ट्रेंड में रहता है, ये कभी ओल्ड फैशन नहीं रहता, चाहे वो शॉर्ट्स हो या जैकेट हो या जीन्स हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आजकल इस तरह के शूज़ बहुत मिल रहे हैं, आप सरोजनी नगर में जाके ट्राई कर सकते हो, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एंड डिफरेंट वैराइटीज़ में हैं। और अभी विंटर का जो भी स्टफ़ है वो दिवाली के बाद आएगा मार्केट में, तो उसके बाद आपको सारा विंटर स्टफ़ मिलेगा। तो ये है फेमस ग्रेफिटी लेन, इसमें जाने की लिटरली मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पे 200 रुपये में झोला बैग मिल रहे थे, काफ़ी बड़े थे ये, बहुत स्पेशियस थे, जैसे आप कभी मार्केट वगैरह जा रहे हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, आप इसमें अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। एंड ये एज यूजुअल कॉटन कुर्तीज़ मिल रही थी 150 रुपये में, प्लाजो भी थे अलग से, कुर्ते सेट भी थे, ये सारे कॉटन में थे। अभी समर का कलेक्शन भी है, विंटर का भी है, अभी दिवाली के बाद ही सारा विंटर कलेक्शन आएगा।
एंड ये होम डेकोर मिलता था यहाँ पे, बहुत सारा स्टफ था घर के डेकोरेशन के लिए, आप अच्छा खासा सामान ले सकते हो यहाँ पे। थोड़ा एंटीक्स टाइप लैम्प भी थे घर पे डेकोरेशन के लिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह के लैम्प, और जितने भी सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो सरोजनी नगर में भी पार्टी वेयर ड्रेसेस, गाउन एंड प्लाजो कुर्ता सेट भी मिल जाते हैं। तो गेट नंबर 1 से जब मैं एंटर कर रही थी मेट्रो से, मतलब एग्ज़िट कर रही थी, मार्केट के लिए एंटर कर रही थी, तो वहाँ सामने ही ये भैया ने लगा रखा था अपना, यहाँ पे 30 रुपीज़ के काफ़ी अच्छे डिफरेंट स्टाइल्स में इयररिंग्स मिल रहे थे। सरोजनी नगर में जगह जगह पे इयररिंग्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये, अफोर्डेबल हैं 30 रुपीज़ पर पीस। और ये यहाँ पे जंक ज्वेलरी में सेट मिल रहे थे पूरे, रिंग्स प्लस चोकर नेकलेस, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल थे। आजकल ये सब चीज़ों का बहुत ट्रेंड रह रहा है, कॉटन कुर्ती सेट हो, प्लाजो कुर्ता, और उसके साथ आप ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनो, बहुत ही अमेजिंग लुक क्रिएट होता है। और इन सब के प्राइस 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ थे चोकर के, इयररिंग्स के 50 रुपीज़, और जो सेट में थे ये आपको 200-150 के अंदर मिल रहे थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आती है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।